अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 9 का थ्योरम 5। हमारे पास क्वेश्चन है, टू कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट। हमारे पास एक सर्कल में दो कोर्ड्स हैं जो सेंटर से इक्विडिस्टेंट हैं, एक इक्वल डिस्टेंस पर हैं, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमने प्रूव करना है। गिवन हम लिखते हैं, ए बी एंड सी डी आर टू कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ। ए बी और सी डी एक सर्कल की दो कोर्ड्स हैं विद सेंटर एट ओ। ओ एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ के इज परपेंडिकुलर टू सी डी, सो डैट मेजर ओ एच इज इक्वल टू मेजर ओ के। ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी के और ओ के परपेंडिकुलर है सी डी के, इस तरह से कि ओ एच और ओ के आपस में इक्वल हों। इसलिए ये आपस में इक्वल है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, अगर ये सेंटर से इक्विडिस्टेंट है इसका मतलब है ओ एच और ओ के आपस में इक्वल हैं। प्रूव हमने ये करना है, मेजर ए बी इज इक्वल टू मेजर सी डी, यानी ये दो कोर्ड्स आपस में इक्वल हैं, ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन, जॉइन ए विद सी, जॉइन ए एंड सी विद ओ। ए और सी को हम ओ से ज्वाइन कर देंगे, सो डैट वी कैन फॉर्म एंगल राइट ट्राइंगल्स ओ ए एच एंड ओ सी के, ताकि हम राइट एंगल ट्राइंगल्स ओ ए एच और ओ सी के फॉर्म कर दें, जिनके पास के और एच पे 90 डिग्री के एंगल है। वो इसलिए क्योंकि ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी के और ओ के परपेंडिकुलर है सी डी के। स्टेटमेंट्स देखते हैं, पहली स्टेटमेंट है, इन एंगल राइट ट्राइंगल्स ओ ए एच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ओ सी के। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं, हाइपोटेन्यूस ओ ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस ओ सी। अब हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस ओ ए इस ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस ओ ए दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूस ओ सी के इक्वल होगा। इसकी रीजन है रेडी ऑफ द सेम सर्कल, रेडी रेडियस की जमा होती है। किसी भी सर्कल का कहीं से भी रेडियस ले लिया जाए तो वो आपस में इक्वल होता है, तो इसलिए ओ ए और ओ सी आपस में इक्वल है क्योंकि ये एक ही सर्कल के रेडियस हैं। मेजर ओ एच इज इक्वल टू मेजर ओ के। अब हम दूसरे स्टेटमेंट लिखते हैं कि ओ एच और ओ के आपस में इक्वल हैं। हमने हाइपोटेन्यूस और साइड को आपस में इक्वल प्रूव किया, हाइपोटेन्यूस साइड पोस्टुलेट बनाया और इस वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। ट्राइंगल ओ ए एच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी के, सो मेजर ए एच इज इक्वल टू मेजर सी के। इसको हम वन का नाम देते हैं। इसकी रीजन है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं और इसके पास एक साइड है ए एच और इसके पास एक साइड है सी के, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। इसको हमने वन का नाम दिया, बट मेजर ए एच इज इक्वल टू हाफ मेजर ए बी। लेकिन हम कहते हैं ए एच जो है हाफ है ए बी के, इसको हम टू का नाम देते हैं। वो इसलिए ओ एच इज परपेंडिकुलर टू कोड ए बी। अगर ओ एच परपेंडिकुलर है कोड ए बी के, इसका मतलब है वो उसको बाइसेक्ट करती है, और अगर वो उसको बाइसेक्ट करती है तो एच उसका मिड पॉइंट है और ए एच हाफ होगा ए बी के। इसकी रीजन हम लिखेंगे ओ एच इज परपेंडिकुलर टू कोड ए बी और ये गिवन है। सिमिलरली सी के इज इक्वल टू हाफ मेजर सी डी, इसको हम थ्री का नाम देंगे और ये इसलिए क्योंकि ओ के इज परपेंडिकुलर टू कोड सी डी और ये भी हमारे पास गिवन है कि ओ के परपेंडिकुलर है कोड सी डी के। सिंस मेजर ए एच इज इक्वल टू मेजर सी के, यहाँ पे हमने वन से ये लिया कि अगर मेजर ए एच इक्वल है मेजर सी के, इसकी रीजन है ऑलरेडी प्रूव्ड इन वन, therefore half measure AB is equal to half measure CD। अब हम कहते हैं अगर AH और C के आपस में equal हैं तो ये half measure AB और half measure CD भी आपस में equal होंगे using 2 and 3। 2 में हमने कहा AH half measure AB के equal है, 3 में हमने कहा C के half measure CD के equal है, और जब ये दोनों आपस में equal हैं तो half measure AB और half measure CD भी आपस में equal होंगे using 2 and 3। और मेजर ए बी इज इक्वल टू मेजर सी डी, अब हाफ दोनों साइड्स पे कट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा मेजर ए बी इज इक्वल टू मेजर सी डी, और हमने प्रूव भी यही करना था, मेजर ए बी इज इक्वल टू मेजर सी डी। हमारा थ्योरम प्रूव हो गया है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए।